फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सोम के इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पॉइंट लोड के बारे में डिस्कस किया था कि अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लोड्स लगे हों, एक या एक से ज़्यादा कहीं किसी भी लोकेशन पर हों, तो उनका शेयर फोर्स डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। सेक्शन मेथड से हमने उसको सीखा था। आज बात करेंगे यूडीएल की, कि अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडीएल लगा हो, इसको हिंदी में बोलते हैं सम वितरित भार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी अगर यूडीएल लगा हो किसी बीम में तो शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनता है। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर ये यूडीएल लगा हुआ है। मान लीजिए डब्ल्यू किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है और बीम की लेंथ कितनी है, एल। तो इस केस में हम सारे लोड्स को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ये यूडीएल दिया हुआ है, तो इस यूडीएल को हमें शेयर फोर्स बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इसको पॉइंट लोड में हम कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जितना यूडीएल लगा हो, तो कितना लगा हुआ है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लिख दिया, इंटू जितनी डिस्टेंस पर लगा हो, तो कितनी डिस्टेंस पर लगा हुआ है, एल। तो ये हो गया एल, ये हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ये जो यूडीएल लगा था, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये लोड लगेगा कहाँ पर, इस बीम में हम इसको कहाँ पर रख दें। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो यूडीएल होता है वो पॉइंट लोड पे आने के बाद मिड पर लगता है, यानी जितनी डिस्टेंस पर यूडीएल लग रहा है उसके आधे पर। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू एल, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल बाय टू, और ये कितनी, एल बाय टू। इस तरीके से एक एग्जांपल से और देख लीजिए कि अगर ये एक बीम है और उस पर 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है और बीम की लेंथ दे रखी है 4 मीटर, तो सबसे पहले तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, जितना लोड लग रहा है, तो लोड कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, 4 मीटर का। तो पॉइंट लोड में हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, 4 × 4 लोड इंटू डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पर वो लग रहा है। अब ये 16 किलो न्यूटन का बल तो हो गया, लेकिन ये कहाँ पर रखा जाएगा, तो जितने पे यूडीएल लग रहा है उसके आधे पर, तो 4 पर यूडीएल लग रहा है, तो यानी कहाँ पर लग जाएगा, 2 मीटर पर। इसको हम ऐसे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 किलो न्यूटन का ये यहाँ से 2 मीटर पर और यहाँ से 2 मीटर पर। इस तरीके से हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ये यूडीएल था, अब ये किस में हो गया, पॉइंट लोड में। यूडीएल में हमेशा पर मीटर लेंथ इस तरीके से नोट करते हैं, और पॉइंट लोड न्यूटन या किलो न्यूटन इस तरीके से नोट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए इस तरीके की बीम है और ये 8 मीटर की बीम है, मान लीजिए, और हमारा ये यूडीएल लगा हुआ है यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर और 3 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन पर मीटर का ये यूडीएल लगा हुआ है। अब हम इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो पॉइंट लोड के लिए मैंने क्या बोला, पॉइंट लोड। अब इसको अगर पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट किया, यानी बिंदु भार में अगर इसको कन्वर्ट किया, तो कितना यूडीएल लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का, इंटू कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, तो यहाँ पर हम ये 8 की वैल्यू नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, जितने पर यूडीएल लग रहा है, कितना है, 2 मीटर। तो ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 किलो न्यूटन, ये हमारा पॉइंट लोड आ गया। अब ये पॉइंट लोड हम कहाँ पर रखेंगे, तो 8 का आधा 4 नहीं, इतना नहीं करेंगे, जितने पर यूडीएल लग रहा है, कितने पर लग रहा है, 2 पर, तो 2 का आधा कितना हो गया, 1, यानी ये 1 मीटर पर लगेगा 6 किलो न्यूटन का। तो इसको जब पॉइंट लोड में आपने कन्वर्ट किया, तो ये यहाँ से आ गया 6 किलो न्यूटन, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, फिर ये 1, और ये टोटल कितनी है, 8। इस तरीके से हम पॉइंट लोड को इस तरीके से हम इसको यूडीएल को पॉइंट लोड में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे शेयर फोर्स हम बनाते हैं, कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लगा हो तो हम कैसे उसको बनाएंगे। सपोज करिए ये एक बीम दी हुई है, एल लेंथ की बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी लंबाई दे रखी है एल मीटर, और उस पर एक ये यूडीएल लगा हुआ है, समवितरित भार लगा हुआ है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, और आपसे कह रहा है ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस बीम, इस बीम का सरल चित्र आरेख, कर्तन बल आरेख बनाए। तो सबसे पहले क्या है, हमने माना ए पर प्रतिक्रिया कहां लग रही है, ऊपर की तरफ आर ए, बी की तरफ प्रतिक्रिया लग रही है आर बी,
पहली कंडीशन मैंने उस दिन भी बताया था आपको, तीन कंडीशन है। पहली है समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो एट एनी पॉइंट। ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में पहली एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई है नहीं, दूसरी एफ वाई ज़ीरो। तो एफ वाई में पहले कौन सा है, आर ए ऊपर की तरफ है, हमने ऊपर की तरफ के फोर्स को माना क्या पॉजिटिव। सिमिलरली आर बी भी ऊपर की तरफ है तो इसको भी हमने क्या लिखा पॉजिटिव माइनस, क्योंकि अब ये पॉइंट लोड कहाँ है, नीचे की तरफ। और ये कैसा है, W इंटू एल, और ये कहाँ पर लगेगा, इसको अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो कैसा हो जाएगा, डब्ल्यू एल, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी L बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी L बाई टू, आधे आधे पर ये लग गया। दिस विल बी इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा काम हमने क्या किया कि A पॉइंट के अलॉन्ग हमने क्या ले लिया मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट अलॉन्ग पॉइंट ए, यानी ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया। अब जैसे ही ये पॉइंट हमने फिक्स किया तो पहला फोर्स क्या है, आर बी। आर बी कैसे ले जाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, इस तरीके से। तो क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एल। तो पहला मूवमेंट क्या आया, आर बी इंटू एल, ये आर बी और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, माइनस अगला क्या आएगा, अगला फोर्स क्या है, डब्ल्यू एल, और इसको कैसे ले जाएगा ये क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी एल बाई टू, इस तरीके से डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू। तो क्या आया, डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, या यहाँ से आया आर बी इंटू एल इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, एल से एक एल कैंसिल हो गया, आर बी की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू एल बाई टू। ये हमें आर बी की वैल्यू पता चल गई कितनी, डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। अब इस आर बी की वैल्यू इस इक्वेशन पे हमने रख दिया, तो यहाँ से क्या आया, आर बी आर ए प्लस डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या यहाँ से आर ए की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू एल बाई टू, यानी हमें आर ए की वैल्यू भी मिल गई डब्ल्यू एल बाई टू। आर ए आर बी हमें पता चल गया, आर ए आर बी की वैल्यू जैसे ही हमें पता चली, अब हम ड्रॉ करेंगे क्या शेयर फोर्स डायग्राम। तो जैसे पॉइंट लोड के केस में करते थे, हम क्या मानते थे कि जिस भी पॉइंट पर हमें शेयर फोर्स बनाना हो उसके आगे हमें क्या कर लेते हैं, सेक्शन मान लेते थे, और उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लेते थे उनको पॉजिटिव, और ऊपर से जो नीचे फोर्स होते थे उनको हम निगेटिव लेते थे। सिमिलरली यहाँ भी हमें वही काम करना है। हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ए पर शेयर फोर्स निकालना है, तो हमने ए के जस्ट बगल में एक सेक्शन मान लिया इस तरीके से एक्स एक्स, एक सेक्शन मान लिया। अब इस सेक्शन के इस तरफ की बीम से हमें कोई लेना देना नहीं, केवल इतनी बीम से हमें लेना देना। इसको चाहे तो हम अलग से ऐसे दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए ये ए पॉइंट है, ये सेक्शन एक्स एक्स है, ये ए पॉइंट है, और यहाँ पर रिएक्शन कितनी है आर ए, ये देखिए लगा हुआ है ठीक, और इतने सेक्शन में ये डब्ल्यू यू डी एल लगा हुआ है, ये डब्ल्यू देखिए पूरे में लगा हुआ है, तो इतने में ये लगा हुआ है, और इस सेक्शन की यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली कितनी है x मीटर ठीक। अब ये x कहां से कहां तक जा रहा है, तो हम कहेंगे जब हम a पॉइंट पर हैं तो x की वैल्यू कितनी है जीरो, और जब हम b पॉइंट पर आ गए तो x की वैल्यू कितनी हो गई l, यानी हमारा x जीरो से लेकर कितना बढ़ रहा है l तक आ रहा है ठीक। जब हमने x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा a पॉइंट, और जब x की जगह हम l रखेंगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा b पॉइंट। ये हमारा एक्स के लिए इतना सेक्शन बन गया। अब इसमें देखिए मैंने क्या बोला था कि इस सेक्शन के लेफ्ट में नीचे से ऊपर की तरफ के फोर्स को कैसा लेते हैं पॉजिटिव, और ऊपर से नीचे की तरफ को फोर्स को क्या लेंगे निगेटिव। तो शेयर फोर्स इस एक्स के लिए हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस का आर ए क्योंकि ये कहां के लिए ऊपर के लिए, और माइनस का अब क्या है ये यूडीएल है, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा जितना लोड इनटू जितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, तो लोड कितना है W और कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है X, तो यहां क्या हो जाएगा W इनटू X। ये X के लिए हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन हमारी बन गई ठीक। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया, हमें A पॉइंट पर एक शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने A के जस्ट बगल में एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स, कितनी दूरी पर एक्स दूरी पर, ये देखिए ठीक। अब इसके इधर की बीम से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, हम केवल इसके लिए बात कर रहे हैं ठीक। तो इस एक्स की के वैल्यू में हमें ये इक्वेशन फॉर्म हो गई कि भाई इतने में
इतना फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा है आ रहे, तो उसको हमने पॉजिटिव ले लिया। और W इंटू एक्स ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। अब इस इक्वेशन में जब हम x बराबर जीरो रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हम कौन से पॉइंट पर आ जाएंगे? x बराबर जीरो कहाँ है? ये पॉइंट है भाई, यहीं से तो x चल रहा है, x चलता जा रहा चलता जा रहा, फिर यहाँ L बाई टू पर आया, और फिर यहाँ से आते आते ये कहाँ पर हो गया? L पर आ गया। ठीक, तो जब हम यहाँ लिखेंगे एस एफ एट ए, तो क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू जीरो। जब x बराबर जीरो होगा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ए पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस एफ एट ए विल बी इक्वल टू आर ए, क्योंकि एक्स के जगह में यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, यानी प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू। ए की वैल्यू पता चल गई। अब इसी इक्वेशन में हम अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स की जगह वैल्यू क्या रख देंगे? एल। तो फिर निकाला हमने एस एफ एट बी, क्या रखेंगे? पुट एक्स इज इक्वल्स टू एल। अब एक्स इक्वल टू एल यहां पर रखिए इस इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डब्ल्यू एल बाई टू, ये आर एक वैल्यू, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। ये शेयर फोर्स कहां पर आ गया? बी पर आ गया, यानी ए पर शुरू होगा प्लस का डब्ल्यू एल बाई टू, और बी पर शुरू होगा आकर आएगा माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। प्लस से माइनस हो रहा है, पहले क्या आया? डब्ल्यू एल बाई टू प्लस का, और दोबारा क्या आया? माइनस का डब्ल्यू। अब जब पॉइंट लोड की बात होती थी कि यहां पर पॉइंट लोड है, इधर पॉइंट लोड है, यहां पर पॉइंट लोड है, तो जब हम शेयर फोर्स बनाते थे तो कैसे करते थे? उनको इस तरीके से ऐड करते थे, ऐसे ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, लेकिन जब भी कभी यूडीएल का केस आएगा तो हम स्ट्रेट लाइन से किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे, यानी जिन जगहों पर यूडीएल लगा है वहां पर हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए इक्वेशन बन रही है वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, यानी जिन पॉइंट्स के बीच में यूडीएल है, समवितरित भार है, वहां पर हम कैसे जोड़ेंगे? स्ट्रेट लाइन से। कैसे? देखिए, देखते हैं। ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू एल बाई टू प्लस का, डब्ल्यू एल बाई टू हमने लिखा ये प्लस का, और बी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है? माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, ये आ गया माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक, और इन दोनों के बीच में क्या है? यूडीएल लगा हुआ है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। कैसे इसको खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन से, यानी इन दोनों पॉइंट को कैसे ऐड करेंगे? स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए, ये दो पॉइंट हैं ए बी और ये सी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यही अगर पॉइंट लोड होता तो पॉइंट लोड में हम कैसे इसको जोड़ते? इस तरीके से, अगर पॉइंट लोड होता तो। लेकिन यहां पर पॉइंट लोड नहीं है, यहां पर क्या है? यूडीएल, और यूडीएल में हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। क्यों जोड़ा मैंने वो भी आपको बता दिया, क्योंकि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी की क्वेश्चन फॉर्म हो रही है स्ट्रेट लाइन, इसलिए स्ट्रेट लाइन कर दिया। अब यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो एक पॉइंट पर जीरो हो रही है, इस सी पॉइंट पर। देखिए, तो याद रखिएगा कि जब भी कभी हमें शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी हो कि वो शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो कहां पर हो रही है, किस पॉइंट पर शेयर फोर्स हमारा जीरो हो रहा है, कर्तन बल किस बिंदु पर जीरो हो रहा है, उसके लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। जो हमने एक्स के लिए इक्वेशन फॉर्म करी उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। तो हमारी एक्स के लिए इक्वेशन क्या है? आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या यहां से आया आर ए की वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू एल बाई टू, यानी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, या डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। यहां से ये डब्ल्यू कैंसिल हो गया, यानी एक्स बराबर एल बाई टू, यानी x इज इक्वल टू एल बाई टू पर हमारी शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आएगी। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? एल बाई टू, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? एल बाई टू। तो इस तरीके से यूडीएल के केस में हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये एक जनरल केस था कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम और यूडीएल अगर लगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस बीम की लेंथ दे रखी है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर की बीम है, और 6 मीटर तक इस पर यूडीएल लगा हुआ है। ये सी पॉइंट है और ये 6 मीटर तक इस पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। ये बी पर हो गया आर बी, ये ए पर पॉइंट पर हमने सपोर्ट रिएक्शन दे दी आर। अब हमें इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना, कोई पॉइंट लोड नहीं है, सिर्फ क्या है, यूडीएल है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमें पहले क्या निकालना है, आर ए और आर बी, फिर वही काम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एफ एक्स एफ वाई एंड एम इज इक्वल्स टू जीरो। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसमें नहीं, पहली कंडीशन नहीं है। दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, आर ए और आर बी कहाँ लग रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो हमने क्या लिखा, आर ए प्लस आर बी और माइनस, ऊपर से कौन सा फोर्स लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का, और कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, 6 पर। तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर यहीं पर हम आपसे ये पूछ लें कि ये जो 60 किलो न्यूटन का जो बल आया है ये कहां पर लगेगा, किस पॉइंट पर लगेगा, तो आप कहोगे 3 मीटर पर, यानी 10 × 6 60 हुआ, और कितने पर लगेगा, 3 मीटर, ठीक, यानी मिड पर, जितने पे यूडीएल है उसके मिड पर, यानी यहां लगेगा, ठीक। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 60, पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, ए पॉइंट के अलॉन्ग हम मूवमेंट अगर ले लें, तो हमने ले लिया टेकिंग मूवमेंट अलॉन्ग ए इज इक्वल टू जीरो, ए के पर तक घूर लेने पर। तो ये 60 का यहाँ पर ऐसे पॉइंट लोड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3। अब हमने अगर बी के अलॉन्ग ए के अलॉन्ग अगर मूवमेंट लिया, तो पहला फोर्स क्या है, आर बी, तो क्या होगा, आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 9, और ये कैसे लेके जाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। तो क्या आया, प्लस का आर बी इंटू 9 माइनस। अब अगला फोर्स कौन सा है, ये 60 का, और 60 का कितनी डिस्टेंस पर है, 3 में, ये इसको इस तरीके से लेके जाएगा, यानी क्लॉकवाइज। तो क्या आ गया, माइनस का 60 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, या यहाँ से आया आर बी इज इक्वल टू 60 इंटू 3 अपॉन 9, 20 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 किलो न्यूटन। अब आर बी 20 किलो न्यूटन हो गया, और आर ए प्लस आर बी कितना था, 60, तो आर ए कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन। भाई आर ए की, आर बी की वैल्यू ये उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40। आर ए आर बी हमें क्या हो गया, पता चल गए। अगला काम, अब क्या करना है, हमें शेयर फोर्स बनाना है। फिर वही बात, जिस भी पॉइंट पर हमें शेयर फोर्स ड्रॉ करना हो उसके बगल में हम एक सेक्शन मान लेते हैं। हमें ए पर शेयर फोर्स ड्रॉ करना है, हमने क्या किया, एक सेक्शन मान लिया, ठीक, और उस सेक्शन की यहां से लेफ्ट से डिस्टेंस कितनी मान ली, ये सेक्शन हमने माना एक्स एक्स, और उसकी यहां से डिस्टेंस कितनी मान ली, एक्स, ये एक एक्स डिस्टेंस हमने मान ली। अब इस एक्स के अलावा इतनी बीम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने तुरंत इसको अलग से आपको बताने के लिए बना दिया। ये देखिए, ये है आर ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 40, और ये तो आपका लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन का, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है ये लोड लग रहा है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स मीटर। भाई हमने जो सेक्शन एक्स एक्स माना है उसको यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर माना है, एक्स पर, और इसके इधर अब हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हम x इक्वल टू जीरो करेंगे, x इक्वल टू जीरो करेंगे तो किस पॉइंट पर आ जाएंगे, ए पॉइंट पर, और जब x इक्वल टू 6 करेंगे तो 6 में हम कहां पर आ जाएंगे, सी पॉइंट पर, यानी जहां तक यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल कहां से कहां तक लग रहा है, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 6 तक, इतने में ही तो यूडीएल है। तो ये दो लिमिट कौन कौन सी हो गई, जब x 0 है तो ए पॉइंट है, और जब x की वैल्यू बढ़ते 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 6 हो जाएगी तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, 6 पॉइंट, सी पॉइंट। तो पहले जनरल हम इक्वेशन इसकी बनाएंगे, तो एस एफ एट एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर ए माइनस 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, ये बना दिया।
अब इस जनरल इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? A पॉइंट। और जब x की वैल्यू हम 6 रख देंगे तो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? C पॉइंट। दोनों वैल्यू निकाल लीजिए। एस एफ एट ए पुट x इज इक्वल टू 0। तो x से 0 करा तो हमें एस एफ एट ए क्या मिला? एस एफ एट ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का आर ए, इट मीन्स प्लस का 40। ठीक, नेक्स्ट। अब हमें किस पॉइंट पर निकालना है? ए पॉइंट पर निकाला है। अब कहां पर निकालना है? सी पर निकालना है। यानी इस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। तो हमने क्या लिखा? एस एफ एट सी पुट एक्स इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन में जब आपने 6 रखा तो इक्वेशन क्या बन गई? प्लस का 40 माइनस का 10 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस का 20। यानी सी पॉइंट पर कितना हो गया? माइनस का 20। और देखिए बी पॉइंट पर भी कितना है? 20। ठीक, तो अब हमें इसको क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर से जितने जिन दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल है y बराबर mx प्लस c, उनको हम कैसे जोड़ेंगे? स्ट्रेट लाइन से। ये हमारा बीम हो गई, ये ए पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए पर वैल्यू कितनी है? प्लस का 40। और सी पर वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 20। ये आया माइनस का 20। जब यहाँ सॉल्व किया था तो सी पर कितना आया था? माइनस का 20। और इन दोनों के बीच में क्या है? यूडीएल। तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। और सी के बाद ये 20 चलता चला गया कहाँ तक? बी तक। यानी बी तक कितना है? 20 है। तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा 20। लास्ट पर कितना है ये? ठीक, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर फिर वही चीज कि ये पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो हो रही है, हमें वो पॉइंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी जनरल इक्वेशन आई है उसको अगर हम जीरो के बराबर कर देंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो हो रही है। तो इस इक्वेशन को जीरो के बराबर करो तो क्या आएगा? आर ए माइनस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, या 10x इज इक्वल टू 40, एक्स विल बी इक्वल टू 4 मीटर। यानी 4 मीटर पर ये शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 4। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2। भाई 6 मीटर का था यूडीएल। ठीक, यानी 4 मीटर पर आपका ये पॉइंट जो है ये हो गया ए, ये सी, ये बी और इसको कोई पॉइंट दे देते हैं डी। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बना, देखिए यूडीएल के केस में। ठीक है, अब एक केस करते हैं जिसमें कि पॉइंट लोड भी दिया हो आपको और यूडीएल भी दिया हो, उस केस में हम कैसे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई एक बीम हो जिसमें दोनों ही कंडीशन हो, भाई पॉइंट लोड भी दिया हो और आपको शेयर फोर्स भी दिया हो। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इस बीम की लेंथ दे रखी है 10 मीटर, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, और दो पॉइंट लोड दे रखे हैं 50 और 40 किलो न्यूटन के। एक पॉइंट लोड ये दे रखा है 50 किलो न्यूटन का और एक ये दे रखा है 10 किलो न्यूटन का, 50 और 40 किलो न्यूटन का, और बीच में ये क्या दे रखा है? यूडीएल दे रखा है, और उस यूडीएल की वैल्यू दे रखी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है आपको न्यूमेरिकल में 2 मीटर, सॉरी ये 2 नहीं, ये 4 है, ये डिस्टेंस दे रखी है 2 और ये डिस्टेंस भी दे रखी है 4। हमने इसको मान लिया सी पॉइंट और ये क्या मान लिया? डी पॉइंट। अब हम कैसे इसका शेयर फोर्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड भी दिया हुआ है देखिए और यूडीएल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या निकालना है? आर ए और आर बी, सिंपली सपोर्टेड के केस में आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन मैंने जो बताई, एफ एक्स 0, एफ वाई 0, एम 0, ये अभी है नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स। तो क्या है? आर ए प्लस आर बी। तो क्या आया? आर ए प्लस आर बी माइनस, पहला लोड कितना है? 50। दूसरा क्या है? माइनस 40। तीसरा क्या हो जाएगा? जितना लोड इंटू जितनी डिस्टेंस। कितना लोड है? 10। कितनी डिस्टेंस पर है? 4। तो पॉइंट लोड कितना हो गया? 10 इंटू 4, 40 किलो न्यूटन। तो हो गया 40 इज इक्वल टू 0। या यहाँ से क्वेश्चन क्या बनी?
आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 130 किलो न्यूटन। इक्वेशन वन। अच्छा यहाँ पर ये जो 10 को 40 यानी 10 × 4 40 किलो न्यूटन आया है, ये कितने डिस्टेंस पर लगेगा? यहाँ से 2 मीटर पर, यानी मिड पर, ठीक है ना। अगर इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 × 2 यहाँ से, तो यहाँ से मिड पर हमने लगा दिया, अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया आपने तो। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमने क्या किया, टेकिंग मूवमेंट अलोंग ए इज इक्वल टू 0, यानी ए के पड़ता घूर लिया, तो सबसे उधर वाला फोर्स क्या है? आर बी प्लस का आर बी इंटू 10, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और कैसे लेके जाएगा ये? एंटी क्लॉक वाइज लिख दिया, पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। माइनस 40, ये देखिए जो 40 पॉइंट है, और इस 40 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 + 2 = 6, तो कितना आया? 40 × 6 माइनस अगला कितना है ये? 40 किलो न्यूटन का, और 40 किलो न्यूटन की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 ये और 2 ये, यानी 40 × 4 माइनस 50 × 2 इज इक्वल टू 0, या 10 आर बी इज इक्वल्स टू 240 प्लस 160 प्लस 100, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आर बी इज इक्वल्स टू 500, या आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? 50 किलो न्यूटन। ये हमें आर बी की वैल्यू पता चल गई। आर बी कितना पता चल गया हमें? 50। यहाँ पर हमने रख दिया 50 किलो न्यूटन। तो अगर यहाँ से हम आर बी 50 है और आर ए प्लस आर बी 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? आर ए 80 किलो न्यूटन। ये आर ए और आर बी की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब आर ए और आर बी की वैल्यू के बाद अब हमें क्या ड्रॉ करना है? शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए जहाँ भी हमें वैल्यू निकालनी हो, हम उसकी जगह क्या मान लेते हैं? एक सेक्शन। तो ए पर वैल्यू निकालनी है, हमने ए पर एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स, ठीक। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर? एक्स पर। अभी इतनी बीम से हमें कोई लेना देना नहीं। इसके इस तरफ कितने लोड हैं? सिर्फ एक लोड है, वो कितना है? आर ए। और वो कैसा है? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ के फोर्सेस को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। तुरंत हमने लिख लिया एस एफ एट ए कितना हो जाएगा? प्लस का आर ए, और वैल्यू कितनी है उसकी? प्लस का 80 किलो न्यूटन। अब ये 80 किलो न्यूटन का बल यहां से ऐसे चलता चला जाएगा जब तक, कहां तक? सी के जस्ट पहले तक। अब हमें सी पर हमें शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या माना? सी पर शेयर फोर्स के लिए हमने सी के जस्ट बगल में एक सेक्शन ऐसे मान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो ये सबसे, मतलब इसमें सारे लोड दिए हुए, हर तरीके की सारी कंडीशन आपको क्लियर हो जाएगी अगर ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हमने एक एक्स एक्स सेक्शन ले लिया, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ली हमने? एक्स। आपको न्यूमेरिकल में एक सेक्शन ऐसे मानना नहीं है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया कि इस तरीके से आप हाथ रख के सेक्शन मान सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक्स एक्स पर ये सेक्शन मान लिया, इतने को अगर हम अलग से बनाना चाहें तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है? आर ए है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ से ये क्या लगा हुआ है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, और इसी पॉइंट पर क्या लगा हुआ है? 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मानी है आपने? एक्स। तो हमें जब यूडीएल की इक्वेशन बनानी है तो हमें केवल उतनी डिस्टेंस चाहिए जितने पे यूडीएल लगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2, और पूरी डिस्टेंस कितनी मानी है आपने? एक्स। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 2, जितने पे यूडीएल लग रहा है। ये देखिए, हमने भाई एक सेक्शन इतना लिया, तो इस सेक्शन में केवल इतनी डिस्टेंस पर यूडीएल लग रहा है, बाकी ये डिस्टेंस देखिए एज इट इज़ है। और अब हम इस एक्स एक्स के लिए एक जनरल इक्वेशन बना लें, तो हमारी एस एफ एक्स के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो क्या हो जाएगा? प्लस का आर ए माइनस का 50 और माइनस का लोड इंटू डिस्टेंस। लोड कितना है? 10, और कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? एक्स माइनस 2। तो क्या लिखा? 10 × x - 2।
ये हमारी जनरल इक्वेशन देखिए बन गई। ठीक, अब अगर हमें सी पॉइंट पर निकालना हो शेयर फोर्स, तो सी पॉइंट पर शेयर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो। जब हम एक्स की वैल्यू दो रखेंगे तो हमारा पॉइंट क्या मिल जाएगा, सी पॉइंट। और जब हमें डी पर निकालना है तो हम एक्स की कितनी वैल्यू रख देंगे, टू प्लस फोर यानी सिक्स। तो हमने यहां रख दिया एस एफ एट सी पुट एक्स इज इक्वल टू टू। इस इक्वेशन में एक्स बराबर जब दो रखेंगे तो टू माइनस टू जीरो, यानी कितना हो जाएगा, आर ए माइनस फिफ्टी। तो यहां से क्या आया, एस एफ एट सी इज इक्वल टू आर ए माइनस फिफ्टी। आर ए कितना है, 80। तो कितना हुआ, 80 माइनस 50, दिस विल बी इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये कहां पर निकला, एस एफ एट सी। ए पर कितना निकला, प्लस का 80, सी पर कितना हो गया, प्लस का 30। अब हमें कहां पर निकालना है, अब हमें निकालना है डी पर। डी पर निकालना है तो इसी इक्वेशन में हम डी की जगह क्या रख देंगे, एक्स कितना रख देंगे, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी ये पूरी कितनी है, चार दो छः, इस इक्वेशन में छः रख दीजिए। तो क्या आया, एस एफ एट डी पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ पर सिक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। और अब इसी डी पॉइंट पर देखिए, इस डी पॉइंट पर देखिए, ये 40 किलो न्यूटन का एक बल और लगा हुआ है, यानी जब हम टोटल लोड ऑन डी बात करेंगे, टोटल लोड ऑन डी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 40। ये पॉइंट लोड जो है ये भी तो घटेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, माइनस का 50। ठीक है, और आखिरी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो भी कितना दे रखा है, 50। तो अब अगर हमें इसका शेयर फोर्स बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, अब अगर हमें इसका शेयर फोर्स बनाना हो तो देखिए, यहां पर यह चीज आपको पता चल गई कि डी पर टोटल कैसे निकला, यूडीएल की वजह से तो माइनस 10 निकला, लेकिन डी पॉइंट पर 50 का 40 का और पॉइंट लोड था, तो टोटल कितना हो गया, 50 किलो न्यूटन। अब देखिए ए पर कितनी वैल्यू है आपकी, प्लस का 80, तो हमने ए पर प्लस का 80 बना दिया। ए के बाद सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी हो गई, 30। सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 30। तो ये आपका मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ये मान लीजिए सी और ये डी, इस तरीके से था। यहां पर आपका घटकर कितना हो गया, इस तरीके से नीचे हम आ गए यहाँ भाई, पहले प्लस का 80 था, अब यहाँ पर आके कितना हो गया, 30। इस तरीके से यहाँ पर 30 हो गया, कहाँ गया, ये 30। ठीक, अब सी और डी के बीच में क्या था, यूडीएल था, ये था सवाल आपका, ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये था बी पॉइंट, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यूडीएल कितने का, 10 किलो न्यूटन का। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, यानी सी और डी पॉइंट को हम कैसे जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन से। डी पॉइंट पर वैल्यू आपकी कितनी आई है इस यूडीएल की वजह से, माइनस का 10। तो यहां पर डी पॉइंट पर हमने इसको क्या किया, ऐसे बढ़ाया, सी पर ये सी ये डी, बीच में ये यूडीएल लग रहा है। ठीक है, और फिर डी पर वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, माइनस 50, किस वजह से, पॉइंट लोड की वजह से, यानी माइनस का 40 और लगा, तो ये माइनस का 40 और यहां लग गया। फिर फाइनली बी तक ये एज इट इज चलता चला जाएगा। ये है आपका शेयर फोर्स डायग्राम, 80, फिर सी पॉइंट पर 30, फिर ये यहां से यहां तक आए तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 40, तो टोटल कितना हो गया, माइनस का 50, और बी पर भी कितना है आपकी वैल्यू, 50, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर अगर आपको निकालना हो कि ये किस पॉइंट पर शेयर फोर्स जीरो हो रहा है, तो इस इक्वेशन को क्या करोगे आप, जीरो के बराबर कर दोगे, जीरो के बराबर करोगे तो हमको वो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम में, चाहे वो पॉइंट लोड हो चाहे वो यूडीएल हो, हम
किस तरीके से शेयर फोर्स बनाते हैं, हमेशा सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं और इस सेक्शन को में हम कंडीशन लगाते जाते हैं कि वो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।